नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज पर और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ हिंदी न्यूज चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का समापन। वाराणसी घोषणा पत्र में शिक्षा से देश की समृद्धि पर जोर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चल रहे अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अंतिम और तीसरे दिन शनिवार को निकले अंतिम निष्कर्ष के रूप में वाराणसी घोषणा पत्र जारी किया गया। यह घोषणा पत्र इस शिक्षा नीति को पूरे देश में लागू कराने का मसौदा बनेगा। शनिवार को अंतिम दिन कुल 4 सत्र आयोजित हुए, जिनमें सुबह 9:30 बजे कौशल विकास और रोजगार योग्यता, 10:15 बजे दशम सत्र शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, 11:30 बजे 11वां सत्र सफलता की कहानी और NEP 2020 के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यास, 1:15 बजे विदाई सत्र उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी घोषणा पत्र के 7 सत्र का समापन होगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान ने एक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा समागम के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को शोध और खोज के हब के रूप में विकसित करने और विश्वविद्यालयों को पर्यावरण बदलाव के साथ ही वेस्ट टू वेल्थ के लिए तकनीक निर्माण, सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के परिणाम पर काम करने का आह्वान किया था। हमारे विश्वविद्यालयों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, लैंड टू लैब और लैब टू लैंड का रोड मैप किस प्रकार का हो, विश्वविद्यालय द्वारा समाज की समस्याओं के समाधान जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन हमें मिला। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में सभी नीति निर्माताओं एवं शिक्षाविदों का उत्साह देखकर मन में एक नई ऊर्जा और नया विश्वास जागृत हुआ है। यह समागम भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। लंबे अरसे से हमारी संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने का काम किया गया। 5वीं सदी में तक्षशिला के विनाश से लेकर 19वीं सदी में मकौले द्वारा उस ज्ञान प्रणाली का विनाश किया गया जो भारतीय विचारों, भाषाओं और मूल्य में हुआ करती थी। दमदार खबरों के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों के खबरें देखने के लिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।